कोलकाता नाइट राइडर्स ने गुरुवार को एक बार फिर शानदार खेल दिखाते हुए आईपीएल 2021 में जीत हासिल की है। अबूधाबी के शेख जायद स्टेडियम में खेले गए मैच में कोलकाता ने मौजूदा विजेता मुंबई इंडियंस को 7 विकेट से मात दी। कोलकाता के गेंदबाज खासकर लॉकी फर्ग्यूसन ने मुंबई इंडियंस को अच्छी शुरुआत के बाद भी बड़ा स्कोर नहीं बनने दिया। मुंबई इंडियंस ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 20 ओवर में 6 विकेट के नुकसान पर 155 रन बनाए। इस लक्ष्य को कोलकाता ने युवा बल्लेबाजों के दम पर ओवर में विकेट खोकर हासिल कर लिया। कोलकाता के लिए उसके 2 युवा बल्लेबाजों ने कमाल दिखाया और मुंबई के ट्रेट वोल्ट जसप्रीत बुमराह, एडम मिल ने कृणाल पांड्या, राहुल चाहर के अनुभवी गेंदबाजों की एक न चलने दी। कोलकाता के राहुल त्रिपाठी और अय्यर के अर्धशतकीय पारी खेल टीम की जीत की इबारत लिखी। अय्यर ने 53 रन बनाए, त्रिपाठी ने 74 रन बनाए। इस जीत के बाद कोलकाता अंक तालिका में चौथे स्थान पर आ गई है। 156 रनों के लक्ष्य का पीछा करने उतरी कोलकाता को सुमन गिल और अय्यर ने ठोस शुरुआत दी। इन दोनों ने 3 ओवर में 40 रन जोड़े। जसप्रीत बुमराह ने तीसरे ओवर की आखिरी गेंद पर गिल को वोल्ड कर मुंबई को पहली सफलता दिलाई। गिल ने 9 गेंद पर 1 चौके और 1 छक्के की मदद से 13 रन बनाए। इसके बाद भी अय्यर ने अपना आक्रामक अंदाज जारी रखा। 6 ओवर का पावर प्ले खत्म होने के बाद कोलकाता का स्कोर 1 विकेट के नुकसान पर 63 रन था। आखिर में सुनील नरेन ने रोहित को सीमा रेखा के पास सुमन गिल के हाथों लपकबा कर इस साझेदारी को तोड़ा। उन्होंने T20 क्रिकेट में 9वीं बार रोहित का विकेट लिया। सूर्यकुमार यादव 5 रन बनाकर कृष्णा का शिकार हुए, जिन्होंने विकेट के पीछे दिनेश कार्तिक को कैच थमाया। इस बीच डीकॉक ने 14वें ओवर में अपना अर्धशतक पूरा किया। केकेआर के गेंदबाजों ने 10वें से 15वें ओवर के बीच 26 रन ही दिए और 2 विकेट चटकाए। पोलार्ड ने आखिरी 5 ओवर में बड़े शॉट खेल टीम को 150 के पार पहुंचाया। आखिरी ओवर में फर्ग्यूसन ने पोलार्ड और कृणाल पांड्या के विकेट चटकाए। आईपीएल में आपका फेवरेट खिलाड़ी कौन है, हमें कमेंट करके अपनी राय जरूर बताएं। अभी तक आपने हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।